और यूक्रेन रूस के बीच जारी तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि रूस अमेरिका पर केमिकल अटैक कर सकता है। हालांकि रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है। रूस ने कहा है कि मौजूदा माहौल में अमेरिका के इस तरह के बयान से हालात बिगड़ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का ये बड़ा दावा, अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है, ये कहते हुए कि इस तरह के बयानों से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का ये बड़ा दावा, केमिकल अटैक की बात की जा रही है कि केमिकल अटैक कर सकता है रूस यूक्रेन पर। हालांकि रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को खारिज किया है। तो अमेरिका की ओर से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि कभी भी हमला हो सकता है यूक्रेन पर। रूस की तैयारियां पूरी हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है रूस की ओर से कि युद्धाभ्यास में जरूर उसके जो सैनिक हैं और दूसरे लड़ाकू विमान वगैरह जो हिस्सा ले रहे थे वो अब बेस की ओर लौटने लगे हैं। लेकिन इन दावों पर नेटो और अमेरिका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अमेरिका बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि रूस की ओर से तैयारी पूरी है और जो सैनिक उसकी ओर से तैनात किए गए हैं, जो भी युद्धपोतों की तैनाती है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन पर केमिकल हमले की ये तैयारी हो रही है। अमेरिका ने यह बयान दिया है। हालांकि रूस ने अमेरिका के इस बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे बयान से माहौल बिगड़ सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका की ओर से यह बड़ा दावा, केमिकल अटैक की बात की जा रही है, यूक्रेन पर केमिकल हमला कर सकता है रूस, ये अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है। तो बीच में हमने देखा है कि किस तरह से लगातार रूस कह रहा है कि हम हमला नहीं करना चाहते, हम युद्ध नहीं करना चाहते, और जो सैनिकों की जो तैनाती थी वो पार्शियल वहां से वापस बुला भी लिए गए हैं। जो सैनिकों की तैनाती थी वो भी वापस बेस कैंप में लौट रहे हैं। युद्धाभ्यास जरूर हो रहा है लेकिन साथ ही साथ अमेरिका और नेटो इन बातों को बार बार खारिज कर रहे हैं कि रूस की ओर से किसी भी तरह की सेना की तैनाती में कमी आई है। और अब ये केमिकल अटैक की बात सामने आ रही है। अमेरिका की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि केमिकल अटैक कर सकता है रूस यूक्रेन पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.